कौतुक कोटि चढ़े उतारू पर बार बार रघुबीर संभारी तर के उपवन तनय बल जय गिरि चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमिय मोग रघुपति कर पाना यही बात चले हनुमाना चल निधि रघुपति दूत बेचारी ते में नाग होई श्रम हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी जपत निरंतर शंभु भवानी सियावर राम चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की मंगलाचरण के प्रथम दोहे के साथ आज की कथा को विराम देता हूँ। कल की कथा का समय है 4 से शुरू कर देंगे 4 बजे। ये थोड़ा मैं लेट हो गया टुडे वाज द फर्स्ट डे आप इन अवर एक्स्ट्रा और कल से हम शाम 4 बजे पारायण शुरू कर देंगे। एक मेरा और निवेदन है, आज जिन्होंने जो भी सीट ग्रहण की है वही सीट वही स्थान ये 6 दिवस तक ग्रहण करें। आप रोज जाकर दीनदयाल वीर संभारी हर हुनाथ नौ संकट भारी इस चौपाई का पाठ करें, एक हनुमान चालीसा का 6 दिवस तक दीनदयाल विरुद संभारी रहु नाथ मम संकट भारी इस चौपाई का पाठ और एक हनुमान चालीसा का पाठ इतना करें। कल से अपने सगे स्नेही संबंधी अपनी स्वजन स्वजनों को इस हनुमान जी की अद्भुत अद्वितीय कथा में निमंत्रित करें। अब एक व्यक्ति दो व्यक्ति को लेकर आए वो कथा सुनेंगे उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। हिंदू टेम्पल ग्रेटर फॉरवर्ड का ये अद्भुत और शुभ प्रयास रहता है कि भगवान की कथा अवर दवर होती रहे, क्योंकि ज्ञान यज्ञ परो अयम वही मुक्ति मुक्ति बताए। काफी प्रकार के यज्ञ बताए हैं, उसमें सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान का यज्ञ। अब किसको जिंदगी भर खिलाते रहे उससे भी अच्छा है कि उसको अर्थिंग करने का ज्ञान दे दे, तो वो तो कमाएगा अपने बच्चे को भी सिखाएगा। तो ये ज्ञान का यज्ञ ये फोर्ट वर्थ मंदिर और हमेशा करने के लिए तत्पर रहता है। तो इस यज्ञ में आप आके श्रवण करके इस ज्ञान यज्ञ की आहुति क्या है आप लोग आए और उसका श्रवण करें। यही कृष्णगण सभी भक्तगण का मंदिर परिसर का और आप सबका भाव भी यही रहता है कि लोग आए और कथा का श्रवण करें। तो कल से 4:15 बजे सब लोग आ जाएंगे और हनुमान जी महाराज का आश्रय करते हुए आप 4:15 बजे हनुमान चालीसा शुरू कर देना, 4 बजे शाम कथा शुरू कर देंगे। अभी आरती करेंगे और आरती के बाद सब हम अलग होंगे 2 मिनट के लिए। श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम भूलने के लिए 1 वर्ष लगता था मगर आप तो तत्काल भूल जाते हैं। जो सुनर गावत तो गाने का
आप थोड़ा कष्ट दीजिए। और ताली बजाने से क्या होता है, सुधाकर अपना दम उठाए। एक ग्रह जो अनुकूल नहीं होते, ग्रह की विधि करनी होती है, तो उसको तो भगवान के नाम लेता जाओ और करतल ध्वनि, ये करतल ध्वनि आप बजाओ तो आपके ग्रह सीधे होते हैं, होते हैं रेखाए। मगर राम नाम सुंदर कर तारी, प्रभु के नाम के साथ तारी बजाते हैं, उनके ग्रह प्रतिकूल होते वो सब अनुकूल हो जाते हैं। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम सुंदर कर तारी, राम नाम सुंदर कर संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन। इसी चौपाई से दल की तरह का आरंभ। ओम नमः शिवाय। गणपति गजानन महाराज की जय। हनुमत लाल जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पदये, हर 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 महादेव।